वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड्स। आज मैं आपको करवा चौथ की पूजा विधि बताऊंगी किस तरह से करवा चौथ करनी चाहिए। करवा चौथ की पूजा फ्रेंड्स, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, मुझे जुकाम हो गया था, तो वीडियो में थोड़ा डिस्टर्ब हो आपको, तो इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आइए चलो शुरू करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने कैलेंडर को चिपका लिया है दीवार पर। आप कैलेंडर को दीवार पर लगा लीजिए, अगर आपके यहाँ दीवार पर रखी जाती है तो दीवार पर रख लीजिए आप। और इसके लिए मैं अब बनाऊंगी चौक। चौक के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ी सी हल्दी ले लेंगे और इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। फ्रेंड्स, ये हल्दी ले ली है मैंने थोड़ी सी और इसमें डाला है थोड़ा सा पानी। इसमें गंगा जल मिला हुआ है और इसकी सहायता से हम थोड़ा सा ज़मीन को साफ कर लेंगे। हल्दी से एक चौक सा बना लेंगे जिस पर हम चौक बनाएंगे। फ्रेंड्स, गैस वैसे तो करवा चौथ की पूजा सबके यहाँ अपनी अपनी विधि से होती है, जैसे आपके यहाँ होती वैसे कीजिए। तो मैं आपको बहुत सरल विधि बता रही हूँ करवा चौथ की पूजा की, तो आप इस विधि से भी पूजा कर सकते हैं। और इसके लिए मैंने ये चावल, सूखे हुए चावल मैंने भिगा दिए थे और उनको मैंने सिर पर पीस लिया है बारीक सा। इसकी सहायता से मैं चौक बनाऊंगी। ये मैंने रुई लगा ली है सिंक में और अब मैं चौक बना रही हूँ इससे। ये आपको अभी दिखाई नहीं देगा क्योंकि गीला है, जब सूख जाता है तो बहुत चमक जाता है, बहुत साफ दिखाई देता है सफ़ेद। जब सूख जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी कितना सफ़ेद बना है, अभी थोड़ा आपको चमक नहीं रहा होगा। करवा चौथ की पूजा में चावल से ही चौक बनाया जाता है। सूखे चावल को भिगो दीजिए, आप पीस लीजिए, फिर उससे चौक बनाइएगा। मैं जिस तरह से पूजा करती हूँ वही विधि आपको बता रही हूँ और बहुत ही सरल और आसान विधि है। इस तरह से दो दो लाइनें कर ली हमने चारों तरफ और इसे इस तरह से मिला देंगे। ये इस तरह से अब हम इसमें बीच में बना देंगे सात्विक इस तरह से। ये बन गया सात्विक। अब इसमें हम बिंदी रख देंगे चार। अब इसमें इस तरह से, ये इस तरह से बना देंगे। ये तैयारी आप पहले खाना बनाने के बाद कर लीजिएगा, चांद निकलने से पहले, ताकि पूजा करने में दिक्कत ना हो। इस तरह से ये चौक बन गया है और अब इस चौक पर हम रख देंगे थोड़ा सा अनाज। अनाज में आप चावल, चना, गेहूँ, जौ, जो भी आपके पास हो वो आप रख सकते हैं। मैं चावल रख रही हूँ इसमें। तो थोड़ा सा अनाज हम इस चौक पर रख देंगे। मैंने चावल रख दिया थोड़े से। और फ्रेंड्स, करवा चौथ की पूजा में गौर माता का बहुत महत्व होता है और गौर माता की मूर्ति बना के पूजा करनी चाहिए, क्योंकि मेरे यहाँ ऐसी ही पूजा की जाती है। इसलिए मैंने ये पांच डेली ले ली हैं मिट्टी की। इन्हें भी गौर माता का रूप माना जाता है। शंकर, पार्वती जी, गणेश जी और नंदी महा नंदी बाबा, इनको इनको मानकर हम इसको गौर के रूप में इस पर चावलों पर स्थापित करते हैं यहाँ पे इस तरह से। फिर हम उनका श्रृंगार करेंगे। श्रृंगार के लिए हम इनको लगाएंगे सिंदूर, जैसे हम गौर माता को लगाते हैं सिंदूर वैसे ही। और मैंने गौर माता की मूर्ति की बहुत ही सरल आसान विधि से गौर माता और शंकर पार्वती जी की मूर्ति बनाना सिखाया है, तो आप वीडियो में जाकर देख लीजिए मेरे चैनल पर। मेरे यहाँ ये इस तरह से रखी जाती है, मैंने शुरू से इस तरह से पूजा की है, तो इसलिए मैं इस तरह से गौर माता रख रही हूँ। नहीं तो गौर माता बनाकर ही रखते फिर। अब हम इनको गौर माता को लगा देंगे महावर। महावर लगाएंगे
सबको लगा देंगे। और इस तरह से हम कैलेंडर पर भी लगा देंगे सबके रंग। और सबको हम हल्दी से भी पूजा कर देंगे, चावल चढ़ा देंगे। अब इसमें हम माता पार्वती को लगाएंगे बिंदी, बिंदी लगा दी है। अब हम बाकी पूजा की तैयारी कर लेते हैं। फ्रेंड्स ये है करवा, और इसको हम इस चावल की सहायता से रंग लेंगे इस तरह से। ऐसे ऐसे सोना करवा नहीं रखा जाता है, इस तरह से रंग लेंगे इसे हम चावल से। अंदर भी कर लेंगे थोड़ा थोड़ा इस तरह से। अब हम इस पर बनाएंगे सिंदूर की सहायता से 5 सात्विक इस तरह से। इस तरह से 5 सतिये बन गए, और इस पे हमें सिंदूर लगा देंगे इस तरह से, देखिए आप। और इसमें हम डाल देंगे थोड़े से चावल, चावल डाल दिए मैंने इसमें थोड़े से, 2 4 चावल डाल दीजिए। अब फ्रेंड्स हम एक लोटे में पानी ले लेंगे, वो यहाँ पे रख देंगे। और ये करवे में हम जो हमने बैना निकाला हुआ है, 7 पूड़ी 7 पुआ, ये हम करवे में रख देंगे। जो अपनी सासू माँ को, जेठानी को, अपने मान्य को या पंडित को दे देंगे या कोई नहीं। और जो भी दक्षिणा स्वरूप आपकी जो श्रद्धा हो वो आप इस करवे में रख दीजिएगा। अब फ्रेंड्स इस करवे को ढक दीजिए ताकि बैना सूखे ना। और ये हम 7 पीले सीखे ले लेंगे, और इन पर रुई लगाएंगे। फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। इस तरह से हम इनमें रुई रुई लगा के सीख को इस तरह से मोड़ लेंगे, इस तरह से। ये इस तरह से डबल हो जाएगी, ये देखिए आप ये। और हम इसमें इसमें लगा देंगे करवे की, इसमें इसी तरह से हम 7 सीखों में रुई लगा के इसको हम इसमें लगा देंगे सीखों को करवे में इस तरह से। देखिए फ्रेंड मैंने 7 सीखों को करवे में लगा दिया है, आप देख सकते हैं 7 सीख मैंने करवे में लगा दी हैं। फ्रेंड्स अब ये जो हमारा जल है इसमें हम डालेंगे बताशा, रोरी और चावल। फिर जब हम बैना निकाल फिर इसमें इस करवे में से हम बैना निकाल लेंगे। जब ऊपर चांद की पूजा करने जाएंगे तो करवे में से बैना निकाल के एक प्लेट में रख लेंगे, और ये जल इसमें करवे में कर देंगे, और ऊपर चंद्रमा को इसी से अर्घ देंगे करवे से। इसमें ये वाला जल इस करवे में डाल के चंद्रमा को अर्घ देंगे, और 7 सीके हम चंद्रमा की तरफ फेंक देंगे चारों दिशाओं में। और ऊपर पूजा करने के लिए आपके यहाँ जो ले जाया जाता हो वो ले जाइए, मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको यहाँ ये ले जाया जाता है तो ये ले, मैं ले जाती हूँ। ये है 7 पकौड़ी बेसन की, ये 7 पकौड़ी हैं, इनको ऊपर चांद में पर चढ़ाया जाएगा चांद की पूजा में। और ये कच्चे आटे के फराह हैं, ऐसे लोई की तरह कच्चे आटे की तरह बना लिए, 7 फराह हैं ये। तो ऊपर ये चाहिए भी चांद को अर्पण किए जाएंगे, चारों दिशाओं में फेंक दिए जाएंगे इस तरह से चांद की तरफ। और इसमें हम डाल देंगे जल में थोड़ा से रोरी और चावल, और ये वाला जल हम फिर इस लोटे में करके ऊपर ले जाएंगे। और एक दीपक ले जाएंगे बनाकर करवे के लिए ऊपर, ये फूल ले जाएंगे थोड़े चांद की पूजा के लिए। देखिए फ्रेंड्स पहले सबसे पहले हम दीपक को जला लेंगे, ये इधर एक साइड से रख दे रहे हैं।
दीपक को जला लिया, अब धूप बत्ती को जला लेंगे। और आपके यहाँ जिससे भी भगवान की पूजा की जाती है, जो भी करवे में रखने के लिए बनाया जाता है, वो भोग के लिए जो बनाया जाता है, उससे आप भगवान की पूजा कर दीजिए। और ये दीपक फरा और ये पकौड़ी बेसन के फूल ही ऊपर ले जाने के लिए है। और इसमें मैं सिंदूर और चावल भी रखूँगी ऊपर भगवान पर चढ़ाने के लिए, चंद्र देव पर चढ़ाने के लिए। तो इस तरह से हम आरती कर देंगे पहले, जो कैलेंडर हमने लगाया हुआ है, इस तरह से हम आरती कर देंगे पहले। फिर हम भगवान को भी आरती दिखाएंगे, सब भगवान को। अब हम सब भगवान को तिलक लगाएंगे। अब है ना निकलिए, इस तरह से दीपक। और मेरे यहाँ फ्रेंड्स ये खाने में ये बनता है, सब्जी, कढ़ी चावल, दही बड़ा, रोटी, पूड़ी, कचौड़ी सब बनता है। आपके यहाँ जो भी बने वो बना लीजिएगा आप। और हमारे यहाँ चौक पे ये रखी जाती है, 5 रोटी छोटी छोटी बना लो। इन पे दही बड़ा रख दो, पकौड़ी, जो भी आपने खाने बनाया वो इससे, इसी से हमारे यहाँ दही बड़ा से पूजी जाती है, तो वो रखी जाएगी चौक पर। इस तरह से ये इसमें रख के, इसमें थोड़ी सब्जी भी रख देंगे हम, पुआ भी रख देंगे, और ये यहाँ पे रख देंगे इस तरह से गौर माता के आगे। फिर इसमें से तोड़ तोड़ के हम सब भगवान को खिलाएंगे, जो भी कैलेंडर पे बने हुए हैं, भगवान देवी देवता बने हुए हैं, स्त्री पुरुष बच्चे खेल खिलौने जो भी बने हैं, उन सबको हम थोड़ा थोड़ा चढ़ा देंगे इसमें से निकाल के, इसमें से निकाल के। देखिए फ्रेंड्स, मैंने थोड़ा थोड़ा इसमें से तोड़ के यहाँ पे रख लिया है, और इससे कैलेंडर पे हमारे जितने भी देवी देवता बने हुए हैं, भगवान बने हुए हैं, उनको सबको हम भोग लगाएंगे, और गौर माता को भी भोग लगाएंगे जो चौक पे हमने रखी हुई हैं। तो इनको हम भोग लगा रहे हैं भगवान को सबको, और ऐसी कामना कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए, मैं अखंड सौभाग्यवती हूँ, मेरा सुहाग अमर हुए, मैं हर साल हंसी खुशी से करवा चौथ का पर्व मनाऊँ, किसी बार दुख चिंता कलेश परेशानी मन में ना हो। और ये गौर माता को भी हम भोग लगा देंगे। और हम मिठाई भी थोड़ी सी रखेंगे, जो भी हमारे हमारे भोग में आई है वो मिठाई भी रख लेंगे हम थाली में, और उसका भी थाली में भगवान का भोग लगाएंगे मिठाई का भी। और जो थाली में से हमने अपनी थाली में से भोग लिया था, वो भी हम सभी कैलेंडर पे भी चढ़ा देंगे, और भगवान गौर माता को भी चढ़ाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे कहानी जो इस कैलेंडर पर लिखी हुई है, और आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कार्तिक बदी चौथ को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन होता है। सुहागन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए करती हैं। प्राचीन काल में द्विज नामक ब्राह्मण के साथ पुत्र और एक वीरावती नाम की कन्या थी। वीरावती प्रथम बार करवा चौथ का व्रत रह रही थी, और दिन में भूख से वह व्याकुल हो गई और पृथ्वी पर मूर्छित हो गिर पड़ी। तब उसके भाइयों को उस पर दया आ गई और वो रोने लगे। जल से मुंह धुलाकर एक भाई ने पट के वृक्ष पर चढ़कर चलनी में दीपक दिखाकर बहन से कहा, चंद्रमा निकल आया है। उस अग्नि रूप को चंद्रमा समझकर वह वीरावती नाम की जो लड़की थी, वह चंद्रमा समझकर उसको अर्घ दे आई। चंद्रमा को जल
दे दिया और मैं भोजन करने के लिए बैठ गई। भोजन करने के लिए बैठी तो पहले कौर में छींक हो गई, दूसरी कौर में बाल, पहले कौर में बाल निकल आया और दूसरी कौर में छींक हो गई, तीसरे कौर में ससुराल से बुलावा आ गया। तो ससुराल में उसने देखा कि उसका पति मृत पड़ा हुआ है। संयोग से वहां गणेश महा इंद्राणी आई और उन्होंने देखकर उस वीरावती नाम की लड़की को देखा विलाप करते हुए और बोली बोली कि वो वीरावती माँ से बोली थी, हे माँ यह किस अपराध की मुझे सजा मिली है, प्रार्थना करते हुए बोली वीरावती। तब पति तो मेरे पति को जिंदा कर दो माँ। मैं इंद्राणी ने कहा कि तुमने करवा चौथ का व्रत बिना चंद्रोदय चंद्रमा को अर्घ्य दिए बिना अपने भोजन कर लिया है, जिसका कारण यह सब हुआ है। अतः तुम 12 मास तक चौथ के व्रत का करवा चौथ व्रत श्रद्धा व भक्तिभाव से विधि पूर्वक करो, तब तुम्हारा पति पुनः जीवित हो जाएगा। इंद्राणी के वचन सुनकर वीरावती ने विधि पूर्वक 12 मास तक चौथ व करवा चौथ का व्रत बड़ी श्रद्धा और भक्तिभाव से किया। इस व्रत को करवा चौथ इस व्रत के प्रभाव से उसका पति जीवित हो गया। बोलो करवा चौथ मैया की जय हो, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की जय हो। फ्रेंड्स, इसमें भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की विशेष पूजा की जाती है। तो आप सबको करवा चौथ की कोट कोट शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और अब हम अंत में करेंगे भगवान भोलेनाथ माता पार्वती गणेश जी की आरती। सफल किसी सेवा जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश, सेवा रखो श्याम सुतवारी, कामना कपूर करो जग बलिहारी। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा, जय ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरि सांगी धारा। ओम जय ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गुरुनाशन शिवाहन चारे। फ्रेंड्स, फिर भगवान के पैर छू लीजिए और फ्रेंड्स अब भगवान के पैर छू लीजिए और उनसे माफ़ी मांग लीजिए, मुझसे कोई गलती हो गई पूजा में तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मेरी पूजा स्वीकार कीजिए, मुझे अखंड सौभाग्यवती बनाइएगा, मेरा सौभाग्य अमर रखिएगा, मैं हर साल हंसी खुशी से ऐसे ही करवा चौथ का पर्व मनाऊं। अब फ्रेंड्स, ये ऊपर ले जाने के लिए थाली लगा रही हूँ मैं। ये सिंदूर रखेंगे इसमें, वही रखे अलमारी में। अब फ्रेंड्स, हम करवे में से बैना निकाल कर प्लेट में रख लेंगे और लोटे का जो पानी था वो हम करवे में कर लेंगे ऊपर चंद्रमा को अर्घ देने के लिए। निकल आओ, ये बैना हम इसमें रख देंगे प्लेट में और ये कलश का पानी हम इसमें कर देंगे। अब मैं इसे पूजा करने के लिए ऊपर ले जाऊंगी, मैंने लोटा तैयार कर लिया।